तेरी क्या हेलो एग्जाम कैसा गाइस, गया? माय एग्जाम वेंट वेरी वेल एंड आई एम सो ग्लैड। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एग्जाम बहुत बेकार गया, लेकिन आशा करते हैं कि मैम पास कर देगी। सो हे गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो ज़्यादा खास तो नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा खास होने वाला है, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। अभी तो एग्जाम का सीजन चल रहा है शुभारती में, जो कि सब जितने भी कोर्स वाले बच्चे हैं, जितने भी पोस्ट अंडर ग्रेजुएट जो भी है, वो सबका एग्जाम चल रहा है। तो आज BBA का जो एग्ज़ाम है, तो उसका आज लास्ट एग्ज़ाम है। तो चलिए आपको दिखाएंगे कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पड़ा हुआ था। वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे कुछ दिन से, क्योंकि एग्ज़ाम था तो बिजी थे। तो आज लास्ट एग्ज़ाम है, सोचिए आपको थोड़ा सा दिखा दे कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आज हम जाएंगे आपको एग्ज़ाम सेंटर पर भी दिखाएंगे, और अपने दोस्तों से भी मिलवाएंगे कि उनका एग्ज़ाम जो था वो कैसा गया, और आगे क्या है, छुट्टी होने वाला है, क्योंकि छुट्टी होगा एग्ज़ाम बाद। तो एग्ज़ाम बाद छुट्टी होगा तो वो कहाँ जाने वाले हैं, घर जाएंगे या कहीं घूमने का प्लान ट्रिप किए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, शेयर जरूर करना वीडियो को अगर शुभार्थी से हो, और जो भी मेरे फ्रेंड हैं वो सब जरूर शेयर करना। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6, उठे तो हम 3 बजे हैं, लेकिन वीडियो बना रहे हैं 6 बजे से। जब देख सकते हो लास्ट एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा पढ़ाई हो रहा है, और लास्ट एग्ज़ाम कंप्यूटर का है जो कि लास्ट है। तो चलिए अभी जाएंगे, अभी तो नहीं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा बाद 7 बजे उठेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, 7:30 में नाश्ता करेंगे मेस में जाके, और उसके बाद रेडी होके निकलेंगे कॉलेज की तरफ, एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सो फिलहाल दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30, तो चलिए चलते हैं पहले ब्रश करने, उसके बाद चलेंगे मेस। चुके हैं तो चलते हैं मेस में, और आज है ओनियन पराठा, तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं शुभार्थी का सुबह सुबह का नजारा। तो गाइस ये रहा हमारा मेस। सो गाइस देख सकते हो अभी मेस में कोई नहीं आया है, क्योंकि अभी 7:30 हुआ है, तो अभी जस्ट मेस खुला हुआ है, तो पहले हम ही आए हैं इसमें खाना खाने। देख सकते हो कैसा है हम लोग का मेस शुभार्थी का, पूरा एकदम खाली खाली। फिर मैंने यहाँ से प्लेट लिया, प्लेट लेने के बाद मैं चला बेसिन की तरफ उसको धोने, और धो के आपसे मिला। तो आज का नाश्ता में ये ओनियन पराठा, और ये बटर है, और ये सॉस, और ये चाय है। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी नाश्ता हो चुका है, अब जाते हैं रूम पे रेडी होने। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we चलते हैं रेडियो ने, और रेडियो के आपसे मिलते हैं, क्योंकि 8 बज चुका है, 9 बजे से एग्जाम है, तो आपसे रेडियो के मिलते हैं। गाइज अभी हम रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं कॉलेज की तरफ, और आपको दिखाएंगे आज हमारा लास्ट एग्जाम है, तो चलिए चलते हैं।
एग्जाम बहुत बेकार गया, लेकिन आशा करते हैं कि मैम पास कर देगी, क्योंकि एमसीक्यू मेरा 11 ही सही है, जिसमें मैं पढ़ कर गया था 9 में 9 सही मारा और 2 मेरे दोस्त बताएं। मैं आशा करता हूँ कि पास हो जाऊँ। ऑल सब्जेक्ट तो अच्छा गया है, लेकिन एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का है, उसमें कोशिश रहेगी मेरी कि हम आगे मतलब अच्छा से उसमें लिख पाएँ, अच्छा नंबर ला पाएँ। चलिए दोस्तों, एग्जाम टीपू भाई से आप सुन लिए हैं, अब आपको मिलवाते हैं सत्यम भाई से। बोले एग्जाम कैसा गया आपका? कहा लगा बहन, सुनने को पड़ा है। तो मंटू भाई, एग्जाम आज कैसा गया? एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, अच्छा चल रहा है। तो क्या आशा करते हैं एग्जाम से? एग्जाम से आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, और मतलब जो भी पिछले एग्जाम दिए हैं उसमें क्या आशा करते हैं? जो पिछले एग्जाम दिया है वो भी बढ़िया से एग्जाम दिया है, सारी क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, अच्छा मारेंगे, टॉप मारेंगे हम। मतलब क्या आशा रखते हैं सुहार्थी से? सुहार्थी से ये आशा रखते हैं कि हम अच्छा लिखे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएंगे, हम टॉप करेंगे। श्रेया पनवा जो मैम है, वो क्वेश्चन किस टाइप का मतलब सेट की थी, कैसा था, अच्छा था, हार्ड था? मतलब क्वेश्चन सेट की थी। एमसीक्यू कितना सही हुआ? एमसीक्यू मेरा 15 सही हो गया। चलिए सही है। और सब्जेक्टिव मेरा जितना था 6 सही हो गया। और रटी लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग भी मैंने पूरा सही लिखा। एग्जाम ये हमारी फैकल्टी कैसा एग्जाम गया? एग्जाम अच्छा ही है, आशा करता हूं कि पास हो जाऊंगा। आनंद भाई आप बोलिए। बढ़िया गया एग्जाम। आप बोलिए आनंद भाई कुछ। अरे फैकल्टी मेंबर कर लूं ना। देरी का एग्जाम कैसा गया? माय एग्जाम वेंट वेरी वेल एंड आई एम सो ग्लैड। अमन का तो पूरा मस्त गया। अमन तुम्हारा, हाँ तुम बताओ, तुम तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बढ़िया। तो पास हो कि नहीं? चलिए दोस्तों, हमारा एग्जाम तो मस्त ही गया। सो गाइज, अभी हम लोग कॉलेज आ गए, आइए गाइज। और यहाँ पे हम लोग छुट्टी लेने के लिए आए हैं, आप देख सकते हो ये सब पूरे लोग घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग बताइए कुछ। सो गाइज, अभी हम लोग अपने कॉलेज में आए हैं छुट्टी लेने। तो छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन तो लिख लिया है, एप्लीकेशन पे एक जो सर है उनका साइन हो गया, अब से पदना मैम जो है जो उनका साइन बाकी है और उनका सब साइन हो जाएगा, तो लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी का मन जाता है।